ये हमारे सरपंच साहब जो पंचायत चनका के हैं, इनका सबसे पहले तो हार्दिक स्वागत है पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ में अंदर। तो जो स्कूल के जो इशू को लेकर के सरपंच साहब, जो आपके स्कूल की जो वीडियो आई, पब्लिक ने आपके ऊपर काफ़ी आपके खिलाफ काफ़ी कुछ बोला है कि सरपंच साहब उसको जो स्कूल को है मनमर्जी से अपने घर के पास बना रहे हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, क्या आपका क्या पक्ष रहेगा, उसका क्या वर्जन रहेगा? क्योंकि पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ ने जो न्यूज़ लगा चुके हैं उसके ऊपर आपने न्यूज़ देख भी लिया और आपको दिखा भी लिया हमने और सब कुछ दिखा दिया आपको, उसके ऊपर आपका क्या वर्जन है? सबसे पहले मैं पहाड़ी मीडिया का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इस बात पे अच्छा समझा कि मैं अपने वर्जन दूँ। सबसे पहले मैं मीडिया का ही धन्यवाद करता हूं क्योंकि स्कूल 1904 में जो ईजे सेंटर बना था वहाँ जेडी ऑफिस के कुछ लोग गए थे वहाँ एक क्लर्क गया था, मुझे लगता कुछ लोग और जेडीयू ऑफिस के बंदे गए थे, उन्होंने एक सेंटर प्रेस निकाला था कि ये स्कूल इस स्कूल का सेंटर प्रेस है जहाँ रखेंगे हम, तो वहाँ 2004 से चलकर आज 2023 चल रहा। पहले तो ईजीए सेंटर रहा, कम से कम 8 तक वो ईजीए सेंटर रहा, उसके बाद गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली जो अच्छे सेंटर चल रहे हैं उसको गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिए, तो उसके बाद हमारा भी प्राइमरी स्कूल वो बना। और उसके बाद चलते चलते 2013 में जब उसका कुछ फंड्स आए तो हमने काम लगाया, उधर तो कुछ लोगों ने ट्राई किया कि ये गलत है, हम स्कूल की बिल्डिंग जब बनाएंगे तो हम ऊपर टॉप पर बनाएंगे, तो हमें उन लोगों को बोला था आप बिल्डिंग बनाओ और हम स्कूल को उधर से शिफ्ट कर देंगे। फिर कुछ लोगों ने उधर ठेकेदारी शुरू कर दी और कुछ थोड़ा मुझे लगता कोई 4-10 दिन लगाए काम किया तो उसके बाद बंद कर दिया, तो फिर उसके बाद वो पैसा भी लैप्स हुआ। आज 2004 से लेकर आज जो 2023 चल रहा है और स्कूल हमारे अपने घर में ही चल रहा है, हमारे भांजे का घर है उसके घर में स्कूल चल रहा है। प्राइमरी स्कूल किस में चल रहा है? जो प्राइमरी स्कूल बता रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल वहाँ ऑलरेडी है और वहाँ फिर बिल्डिंग प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल है कि प्राइवेट में चल रही है? नहीं सर, जो प्राइमरी स्कूल की बात करते हैं, जो प्राइमरी स्कूल बाद में हुआ, पहले वो ही स्कूल था अपर बदान के नाम, उसी जगह पे चलता था, अब दूसरा जब स्कूल आया तो वो भी उसी के साथ मर्ज है, ये क्योंकि बच्चे की स्ट्रेंथ नहीं है उधर, क्योंकि पॉपुलेशन कम है, हमें एक स्कूल की जरूरत थी दो हो गए, तो वो भी उसी के साथ मर्ज है, दोनों स्कूल एक ही घर में चलते हैं। नहीं कि पब्लिक का जो एलिगेशन आपने देख लिया, सुन लिया, वीडियो देख लिया आपने, तो उसके ऊपर आप क्या बोलेंगे कि सरपंच साहब ने जो कि अपनी मिली भगत अपने घर के नज़दीक बना रहा है स्कूल और स्कूल सेंट्रल स्कूल में नहीं है जगह, वहाँ पर क्या बोलते हैं, वहाँ पर बलदानों में होना चाहिए स्कूल, तो वो लोकेशन सही नहीं है ये जनता कह रही है, तो आप उसके ऊपर क्या कहेंगे? सर जनता अपनी मर्जी से नहीं कही, इनको कहलाया जा रहा है कि कोई राजनीति तो नहीं हो रही है, सीधा राजनीति चल रहा है उधर। मैं 4 दिन उस बदानों में रहा, मेरे से किसी ने बात नहीं की भाई आपने स्कूल का काम लगाया तो आपने किस क्या करना है, कैसे कहाँ बनाना है, मेरे साथ किसी ने बात, अभी मेरे एक बकर वाले भाई फरीद भाई से बात चल रही थी, कहता मुझे भी कोई पता नहीं किस बात पे मीडिया बुलाया था, तो मुझे भी उधर पूछ रहे थे। अब बात यह है कि वहां सीधी सीधी राजनीति है, हमें क्या लेना देना राजनीति, हमें अपने घर के लिए, हमें हमारे बच्चे तो है नहीं उधर पढ़ते नहीं है, मेरी एक बेटी है, मैंने अपनी बेटी को भी उधर एडमिशन रखी थी, अब तो बड़ी हो गई, अब उसको सरपंच के और लीडरों के बच्चे कहाँ बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ते नहीं, नहीं तो... मैंने अपनी बच्ची की 8 साल तक वहीं एडमिशन रखी, टीचर आगे पीछे पढ़ाई होगी, मैंने अपने स्कूल को कामयाब करने के लिए मैंने अपनी बच्ची की एडमिशन भी 8 साल तक उधर मतलब स्कूल में गई नहीं होगी सर? नहीं गई है, पेपर चंगा जेडीयू ऑफिस से कागजों में होगी नहीं, कागजों नहीं, उसके जब बोर्ड के पेपर हुए उसके बाद आप उसके रिजल्ट शीट निकाल सकते हैं, आप जेडीयू ऑफिस से पूरा रिकॉर्ड होगा, चंगा में ही पेपर दिए उसने, तो ये नहीं है कि पेपर भी ऐसे हुए, पेपर भी उधर दिए, मैंने अपने स्कूल को कामयाब करने के लिए, इवन के बच्चों की स्ट्रेंथ कम है और जहाँ जे कहते हैं उधर नीचे हमारे कुल्डा से नीचे खड मोड़ा पड़ता है उधर के बच्चे हैं, एसटी बच्चे हैं, वो मुझे अभी कॉल कर रहे थे कि आप ऐसी बात है तो हम रोड पे हम उतरेंगे, क्योंकि बलदानों का मैक्सिम कोई भी बच्चा जो जय एक जशपाल जो नाम के लिए जो बोल रहा था, इसके बच्चे उधमपुर शादी किए, इसके बच्चे उधमपुर रहते हैं, जय तो इधर रहते ही नहीं है, अब इसके बच्चे उधमपुर है, मैं तो चाहता हूँ इनके बच्चे एडमिशन हो, जो कन्हैया सिंह बात करा इसके बच्चे, मैंने कई बार बोला कि हमारा स्कूल जहाँ से चले जाएगा क्योंकि बच्चे की स्ट्रेंथ कम है, क्योंकि गवर्नमेंट की एक गाइडलाइन है 20 बच्चे से कम कोई स्कूल नहीं रखेंगे, उसको मर्ज करेंगे, पहले ही हमारा एक कुलडा का स्कूल मर्ज
प्राइमरी है मिडिल स्कूल के साथ मर्ज है, ऐसे ही समेल के बच्चे अब उधर जाते हैं हमारे स्कूल में जाते हैं, नहीं तो हमें इस स्कूल का ये स्कूल ही हमारा मर्ज हो सकता है। हम इसलिए कोशिश करें कि हमारा स्कूल चलना चाहिए, आज नहीं जरूरत 10 साल के बाद जरूरत पड़ेगी हम लोगों को, फिर हमें थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, फिर आई हुई चीज चली जाएगी, उसका फायदा कुछ नहीं होगा। हम चाहते हैं इस वक्त स्कूल में जहां आप मिडिल स्कूल बना रहे, कितने स्ट्रेंथ है उस वक्त स्कूल? 20 टोटल 20 है, दोनों स्कूल मर्ज करके 20 टोटल बच्चे 20 बच्चे हैं सारे। तो 20 बच्चों में स्कूल तो नहीं खुल सकता है गवर्नमेंट गाइडलाइन के मुताबिक? बिल्कुल नहीं खुल सकता। हम फिर भी कोशिश करते हैं कि हम सभी को, हम घर घर जाके बोलते हैं भाई आपने नीचे बच्चे कहीं किसी ने रैसी में डाले हैं, किसी में कहीं आगे विषय डाले, हम तब भी कहते हैं कि अपने बच्चे की एडमिशन जहां करवाएं इधर पढ़ाई, अगर टीचर नहीं पढ़ाता तो आप कंप्लेन करें, हम उनको खींचते हैं। अब हमें हमारे इतने घर जो स्कूल जो आप बना रहे हैं वो पब्लिक का ये भी इल्जाम है कि जो स्कूल जहां बन रहा है जहां आगे पीछे कोई गांव नहीं, सिर्फ एक घर आपका ही है, उसका कोई कितने किलोमीटर डिस्टेंस में घर नहीं है, तो फिर वहां स्कूल बनाने का क्या अर्थ? जो 20 बच्चे बन रहे हैं सारे उसी मोड़े के बन रहे हैं, मेरा कोई बच्चा नहीं है, जो 20 बच्चे हैं बलानू का कोई भी बच्चा नहीं है, उधर कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता, सारे 20 के 20 बच्चे उधर समझो उसी मल्ले के बच्चे हैं वो। जी नहीं, वो कह रहे हैं कि वहां पे कोई भी नजदीक स्कूल वो सेंटर आता ही नहीं है, तो वो कैसे आप लोगों ने डिसीजन लिया को, किस को लेकर के, कोई आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कुछ है लेटर? तब तो जब डिसीजन हुआ था तब मैं तो नहीं सरपंच था, नहीं पंच था, नहीं खड़पंच था, ये तब का फैसला 2004 का फैसला है। 2004 का फैसला, स्कूल आज काम शुरू हो रहा है? काम आज शुरू हो रहा है, ये आज तक किसी ने स्कूल के लिए किसी बिल्डिंग के लिए कहीं किसी ने मांगने की कोई कोशिश नहीं की। आज बलदानों में पानी की स्कीम थी, कोई किसी ने नहीं मांगा, आज पानी बलदानों में पानी का होज बनाया, बलदानों में सड़क की गाड़ी की सड़क जा रही है, गाड़ियां जा रही है बलदानों में। कोई बंदा इनको आज जैसे वीडियो बना, कोई पिछली वीडियो दिखा दे जा किसी की, कोई किसी ने मांग की होगी हम किसी पानी के लिए मांगने गए किसी अफिसर ने? नहीं, बोलते हैं कि सरपंच साहब ने 3-3 जगह मकान बनाया, तो इसके मतलब सरपंच काफी सरमाएदार हो गया है, सरपंच 5 साल के अंदर। हाँ, मकान तीन जगह में मकान बनाया, तो इतनी जल्दी कहां से पैसा आ गया? सरपंच साहब बिल्कुल उनकारी होनी चाहिए सरपंच की, हम चाहते हैं इसकी उनकारी होनी चाहिए कि कितनी बिल्डिंग है सरपंच की और सरपंच के खाते में कितने पैसे हैं, जे कोई एक बंदा अंगल खड़ी करके बता दे कि किसी ने सरपंच की रिश्वत ली। हम आज भी काम करते हैं, दिहाड़ी रियासी में करते हैं, हम ठेकेदारी अपने पंचायत में नहीं करते हैं, जितने काम आते हैं हम सभी अपने लोगों को बांट के दे देते हैं, अपना काम करो खुद करो, जैसे तलाक की बात। अच्छा, आप ठेकेदारी करते हो बाहर में जाकर के? हाँ, बाहर अभी तो हम ठेकेदारी भी कर सकते हैं क्योंकि बैंड है, सरपंच ठेकेदारी नहीं कर सकता। हम नहीं, खुल गया है तो सुना तो था कि ऑर्डर नहीं आए होंगे, लेकिन ऐसे रूमर फैलाया था। रूमर फैलाया होगा, अभी तक हम अभी तो हम काम नहीं कर सकते। अब जिस तालाब की बात कर रहे हैं, मैंने इनको ठेकेदार भी यही खुद बने थे, मैंने किसी अगर उस तालाब के एक बार पैसे इन्होंने नहीं निकाले, जो ठेकेदारी करता है जो बेटी करता है उसका फर्ज बनता है, लोगों को काम लगाया तो उसको पैसे भी देने उस बंदे का फर्ज बनता है। तो अब एक बार इनके पैसे रह गए, फिर मैंने दूसरी बार फिर ऑनलाइन करवाया उस तालाब को, फिर भी इन्होंने पैसे नहीं निकाले, तो मेरा कसूर नहीं है, मैं थोड़ा मेरे पास तो फंड नहीं आते थे। बंद हो गया था, सारे नरेगा में थे, जो जितना पैसा भी आता है इनके अकाउंट में आता है। तालाब का पैसा बोलते हैं सारा लॉस हो गया, हमें मिला ही नहीं अभी तक पैसे, पेमेंट मिला नहीं, गया कहाँ, निकाला क्यों नहीं, गया कहाँ पैसा? सरपंच ने खाया तो सरपंच पे ब्लेम लगाया, तो पैसा अगर निकला है सरपंच के नाम निकला तो उसकी उनका ही करवाओ ना, उसकी जानकारी हो सकती है सर। नहीं, पंचायत आपकी है तो आपको जानकारी होनी चाहिए सरपंच साहब की, क्या है, क्यों पैसा कहाँ गया, जनता को क्यों नहीं मिल रहा, तो जनता ने वोट आपको दिया है, जनता क्यों नहीं पीछे पीछे जाएगी? सरपंच बनने से पहले का तालाब बनाया। अच्छा, पहले का था? पहले का बना। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं चलो पहले का था, तो फिर भी आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आपको अपने अपने पीरियड के अंदर उसको कहना पैसा दिलवाए। बिल्कुल सर, मैंने एक बार नहीं, इस कन्हैया सिंह को जो बातें कर रहा है इसको मैंने 10 बार बोला अपनी हाजिरी शीट दे उसको पेमेंट ले, और इसने पेमेंट अब मेरे को थोड़ी मिलती है, अगर काम इसने किया तो काम पैसा इसको मिलना चाहिए था ना। ये बात है सर। चलिए, शुक्रिया सरपंच साहब। ये सरपंच साहब का था वर्जन उसकी वीडियो के ऊपर। चलिए, एक बात और है सर, हम उधर के लोग भी मेरे को फोन कर रहे हैं कि आप मौके पे आओ, हम बताएंगे। चलिए, हम टूर, हमारा टीम मौके पे भी टूर करेगी। बिल्कुल, फिलहाल अब उसका वर्जन था हमने ले लिया। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है।